तो भाई यो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप देख रहे हैं कि अरब, मेरा नाम है सुफियान और अभी अपन जा रहे हैं जिम। क्या स्टार्ट है? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, अभी अपन जा रहे हैं जिम और जिम जाते मतलब हुए अपन को दूसरा दिन है, मतलब आज सेकंड डे है ऑफ जिम। और गाड़ी निकालने में दिक्कत होती है भाई, अरे स्क्रैच पड़ गया स्कॉर्पियो पे। हाँ, तो मैं क्या बोलता था, सेकंड डे है जिम का, अपन जा रहे हैं द फिटनेस हेडक्वार्टर्स नियर कमला पार्क, मतलब कमला पार्क एरिया भी नियर दानिश स्टॉप इन टाउन। और अपन यहाँ पहले नीचे होते हुए जाएंगे, क्या है पड़ोसी अंकल मतलब भाई जो हैं उनको जो है कुछ सामान देना है, तो आपसे मिलते हैं अपन सीधा भोपाल गेट तक पहुंचने के बाद। सामान दे चुका है अपन ने, अपन निकल रहे हैं। और यार ये कुत्तों से बहुत डर लगता है, स्पेशली ईदगाह वाले। पता है पूरे सारे भोपाल के कुत्ते आपको एकदम शांत मिलेंगे, ईदगाह एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुत्तों की आबादी भी सबसे ज़्यादा है। और सबसे ख़राब वाले कुत्ते भी यहीं पर मिलेंगे। तो चलो मेन रोड पकड़ लिया अपन ने, और ये मेन रोड पकड़ के अपन जाते हैं सीधा सीधा। 3 2 1। हाँ तो भाई सुबह के भी मान लो 6:15 बज रहे हैं, और एकदम भाई शांत रोड है, ना कोई ट्रैफिक ना कोई ऐसे कुछ ही, ऐसे गिने चुने से लोग निकले हुए हैं। अपन भी यहाँ से VIP रोड पकड़ते हैं और जाते हैं अपन सीधा सीधा। हाँ तो भाई अपन पहुँच चुके हैं VIP रोड, और सुबह सुबह जो तो ठंडा मौसम हो रहा है, मतलब दिन में जो एकदम ऐसे 39-38 तक जाता है, मतलब ये टाइम जो एकदम परफेक्ट, ना ही ट्रैफिक मिलता और ना ही गर्मी मिलती, मतलब रात में भी ठंडक रहती है लेकिन ये रात में ट्रैफिक मिलता है और अंधेरा रहता है। भाई क्या तो सुहानी सुबह हो रही है, और कल से अभी तक मसल दुख नहीं, क्योंकि भाई कल जो मैंने महीनों में पहली बार, सालों में कह सकते हो पहली बार एक्सरसाइज करी थी और सीधा डंबल्स वगैरह। तो देखते हैं यार आज क्या रहता है। तो चलो थोड़ा पास पहुँचते हैं फिर बनाते हैं, लंबा खींचने से मतलब नहीं, और अभी कुछ टाइम जो है मैं लंबे व्लॉग्स नहीं बनाऊँगा, आई विल फोकस मोर ऑन द कंसिस्टेंसी। तो भाई अभी अपन पहुंच चुके हैं एंड ऑफ द VIP रोड, क्या मतलब बहुत जल्दी पहुंच गए। तो जिम पास में ही है ज्यादा, मतलब ये फंस गया सी है, यहाँ से पास आ गए हैं, पास में है नहीं, मतलब वैसे तो देखा जाए बहुत दूर है जिम, लेकिन ये टाइम पे थोड़ा पास लगता है क्योंकि भाई ट्रैफिक बिल्कुल नहीं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं। पीछे आ रही हार्ले स्ट्रीट रोड 797। भाई चलो भाई मिल गया यार अपन को, तो
जी जिम 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 फिटनेस हेडक्वार्टर्स जी जी भाई को गाड़ी अच्छी लगी भाई, अपने लिए तो भाई सम्मान की बात है कि भाई अपन के लिए बड़ी बात है ना यार, हालने वाला जावा की तारीफ करे भाई क्या ही है, बड़ी बात है। यहाँ से अपन को लेना है लेफ्ट और आगे वाला, लेफ्ट आगे वाला, ये है दान स्टॉप इन टाउन भोपाल में। तो लगभग सभी जानते, मतलब कौन नहीं जानता, लगभग सब जानते हैं, क्या कौन नहीं जानता। तो अपन आ चुके हैं, मतलब ये CBI ऑफिस है, इंक्वायरी बैठेगी भाई अपनी गाड़ी पर। रोज़ सुबह सुबह लाउड एग्जॉस्ट वाली गाड़ी आती है, चालान काटो यार, वीडियो एडिट करनी है। तो सीन ये है कि परसों अपन की वीडियो बनी थी बहुत प्यारी, अपन गए थे DB Mall, वो एडिट करनी है। बाकी इन्फॉर्मेशन अपन देते हैं निकलते टाइम, अंदर अपन ज़्यादा चलाते वलाते नहीं कैमरा और रिकॉर्डिंग वगैरह। तो चलते हैं जिम में, दिखाते हैं, मतलब दिखाते हैं क्या, निकलते हैं फिर करते हैं कंटिन्यू। A few moments later. तो अभी अभी अपन जिम से निकले हैं और भाई थकान, ओपी इन द चैट। हाँ तो भाई हिल नहीं रहे हैं, मैं जानता हूँ कैसे गाड़ी चला रहा हूँ। तो चलते हैं भाई थोड़ा सा राउंड मारते हुए। तो चलो वापस वही रास्ते से चलते हैं VIP से लेकर, क्योंकि और कोई रास्ता अच्छा लगता नहीं है इसके बाद जो थकान होती है। तो here we go। और भाई कुछ ही देर में थारा भाई एकदम ऐसे बॉब्ड अप हो जाएगा। हाँ हुआ तो हो जाएगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम जोक्स, मेहनत रही, सफलता मिली तो भाई सब हो जाएगा। ओ भाई ऑन कितना बजा रहा है भाई, इतनी जगह पूरी खाली रोड है, मेरी गाड़ी हटी हुई तो क्यों चाहिए इसे। हाँ तो VIP से लेते हैं अपन अपनी धनो को, अपनी प्यारी चीता, और We will drop a gear and disappear. क्या तो भाई हवा, उफ उफ तेरी हवा, I like to feel it you, उफ तेरा। मुझे realize हो रहा है बहुत cringe था ये, तो उसके लिए sorry. No one, literally no one. Me sings and spin off of any random song. पता ही ये meme relevant भी नहीं लग रहा, तो भी मैंने बोल दिया। मीम सच्चे लग रहा है तो मैं मीम पे चेकआउट कर रहे सार्कास्टिक मीमर वहाँ इंस्टा पे मेरा मीम पे चेकआउट कर ही रहे हो, तो फिर भाई मेरा ओरिजिनल आईडी भी चेक कर लो, gearup_ यहाँ पे लिखी आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोनों का, ठीक है। बात कर तुमसे ना हो पाएगा, आगे कुछ नहीं। भाई ये लपकने वाला कुत्ता लग रहा था, ओ भाई सही बता रही हूँ, मुझे डर लगता है ऐसे कुत्तों से, मतलब ऐसे लपकते हैं जब एकदम भौंकते हैं, मतलब वैसे भाई एकदम स्वीट, मतलब अपन के दिल को प्यारे कुत्ते हैं ना। आई लव डॉग, आई एम अ डॉग लवर, कैट इतनी पसंद कंपेरेटिवली है ना, लेकिन ये भाई जब कुत्ता भौंकता है ना तो भाई कितना भी पालतू क्यों ना हो, जिसका पेट होगा ना उसकी भी फट जाती है, ठीक है। जब लपकता है तो लपकता है भाई, अपन को मालूम है कि
उसके अंदर इतना दम है कि अपन को दबोच ले, अपने हाथ पे खींच डाले, जान ले सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये इसी की बात कर रहा था भाई। देखो 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 भाई, ये तो शक्ल से ही ऐसे लगते हैं भाई। भाई मेरी फड़ गई थी एकदम, ऐसे जंगली कुत्ते नहीं होते काट ही लेते हैं, वैसे लग रहा था। मतलब मेरे दिमाग में दो चीज़ें चल रही थी, सुफियान भगा ले काट लेगा, और दूसरी कि सुफियान भगा ले काट लेगा। फिर भी अपन ने रोका, हाँ भाई दूसरा ऑप्शन नहीं आया अपने पास। तो यार आज की वीडियो यही पेंट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दें, और अपडेट्स वगैरह चाहिए रेगुलर तो फिर भाई अपडेट्स आपको इंस्टाग्राम पे सबसे पहले मिलेंगे। आपको कई बार जैसे मैं स्टोरी पे डाल भी देता हूँ टीज़र की क्या आने वाला है अगली वीडियो में, तो इसलिए आप वो भी देख पाओगे।